तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है बजाज प्लेटिना 100cc ES मॉडल है ये। और इस बाइक का मैंने हाल ही फ़िलहाल में माइलेज सेटिंग किया था। कस्टमर का कहना था कि ये गाड़ी माइलेज को बहुत कम दे रही है। उसने कहा कि ये 56-57 का माइलेज लमसम में ये दे रही है। तो हमारे पास आए तो मैंने इसका ट्यूनिंग किया। ये कम से कम 15 दिन की बात है, मैंने इसका ट्यूनिंग किया यहाँ से। तो फिर मैंने कहा कि उसके बाद आप चलाकर बताना मुझे कि कितना माइलेज दे रहा है। तो आज जो हमारे पास ये आए हुए हैं, तो अभी का जो माइलेज है इसका कितना आज बोला 65। तो अभी लमसम में इसका 65 का माइलेज है, ठीक है, 65 का माइलेज है अभी। तो इसका कहना है कि ये गाड़ी हमारा जो है 70 का माइलेज दे रहा था। और तो ये गाड़ी पहले 70 का माइलेज दे रहा था। तो हमारे पास जो ये आए हुए थे माइलेज को लेकर, तो मैंने तो वैसे देखा था कि इसका जो ट्यूनिंग है, ये जो एयर स्क्रू है, कुछ सही जगह पे सेट नहीं किया हुआ था। तो मैंने उस टाइम में इसको मल्टीमीटर के जरिए से एयर स्क्रू को सेट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, माइलेज अब अच्छी देगी। तो वाकई में पहले जो 56-57 का माइलेज था, तो अब यानी कि 65 माइलेज आया। तो इसका कहना है कि और कोशिश कीजिए, हो सकता है कि 70 तक माइलेज आ जाए, क्योंकि प्लेटिना गाड़ी 70 तक माइलेज मिल जाती है और बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो नहीं भी मिलती है। पर मैं कोशिश करूँगा, देखता हूँ कि इससे ज़्यादा और भी हमें मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि ये कस्टमर जो है काफ़ी दूर से आए। हालांकि ये मेरे एरिया के ही हैं, लेकिन दूर में रहते हैं, बिहार के सलमपुर में रहते हैं, ये हाफिज़ है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, खैर जो भी हो, इसको सेटिंग करके देखता हूँ। तो सेटिंग करने का तरीका दोस्तों मैं आपको बता दूँ पहले, कि जब भी गाड़ी का माइलेज सेटिंग करते हैं, तो इंजन पहले हमें गर्म करना होता है। गाड़ी को स्टार्ट करके इंजन गर्म करना होता है, और गर्म करने के बाद फिर हम यहाँ से सेटिंग करते हैं। जैसा कि और भी बाइक का आपने देखे होंगे, सबका थोड़ा अलग अलग होता है। बहुत ही ऐसा नहीं कि सबका एक ही जगह पे माइलेज सेटिंग होता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ 3 चूड़ी 2.5 चूड़ी इस तरह का, तो ये चीज़ें नहीं है जो मैं हर वीडियो में। और ये भी बोलता हूँ कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होता है, इंजन का आरपीएम ज़्यादा होता है, वहीं पर हमें सेट करना पड़ता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें जो ये है, इसमें जो ये एक बाहर स्क्रू है, ये होता है आरपीएम स्क्रू, जो इंजन के चाल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इंजन के स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके ज़रिए से आरपीएम स्क्रू। बगल में होता है एयर स्क्रू, जो एयर को कंट्रोल करते हैं। जब हम एयर को कंट्रोल करते हैं, तो उनके हिसाब से हमारी गाड़ी माइलेज देती है। और इसी एयर स्क्रू के ज़रिए से पेट्रोल भी सप्लाई होता है इसी एयर स्क्रू के ज़रिए से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले गाड़ी स्टार्ट करके इंजन को गर्म करेंगे, उसके बाद इस आरपीएम स्क्रू को हम टाइट करते हैं। टाइट हम इतना करते हैं कि इंजन का स्पीड कुछ नॉर्मल रहे, ज़्यादा हाई भी ना हो, एक हिसाब रखें। अगर आपके पास टैकोमीटर नहीं है, तो आप एक अंदाज़ा रखें कि इसका स्पीड हमें कितना रखना है। तो हम जो एक अंदाज़ा रखते हैं, कम से कम 4000-3500 के स्पीड में रखते हैं, बेहतर हो के 4000 के स्पीड में रखें, उसके बाद फिर आप एयर स्क्रू को छेड़ें। तो एयर स्क्रू छेड़ने का तरीका ये है कि इसको पहले आपको टाइट करना होगा। जैसे इसे हम टाइट करते हैं एयर स्क्रू को, तो गाड़ी बंद होने लगती है, और बंद जब होने लगेगी, तो फौरन आपको एक आधा चूड़ी इसको लूज कर देना है। देखिए, एक भाई हमें कमेंट कर रहे थे कि एक चूड़ी सर कितना होता है, तो मैं आपको थोड़ा एक सिंपल में आपको बता दूँ कि एक चूड़ी कितना होता है। हमारा जो बोलने का तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक चूड़ी कुछ अलग तरीके से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये पेचकस है, पहले मैं आपको वही चीज़ बता दूँ कि एक चूड़ी जो हम बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं। जैसे कि ये एयर स्क्रू है, देखिए ये आरपीएम स्क्रू है। मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ कि एक चूड़ी हम कहाँ बोलते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं ना, ये पेचकस का जो नोक देख रहे हैं, नुकीला वाला हिस्सा, ठीक है। तो अगर हम इसे इस तरीके से अगर लूज करेंगे, ये नीचे वाला ऊपर वाला पार्ट अगर ये नीचे आएगा इस तरीके से, इसे हमने एक चूड़ी बोल दिया। अब कुछ भाई क्या कर रहे हैं कि इसे वापस इतना घुमाते हैं, तब उन्हें वो कहते हैं कि एक चूड़ी हुआ। तो इसे एक चूड़ी हम लोग नहीं बोलते हैं, हम जो बोलते हैं हाफ चूड़ी को बोलते हैं एक चूड़ी, ठीक है। अब हाफ राउंड जो बोलेंगे ना, तो वो उसके हिसाब से थोड़ा समझ में नहीं आता हमें भी, सेटिंग करने में पता नहीं चलता है कहाँ पर क्या सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो खैर, मैं इसे ही टाइट करके आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे ही फुल टाइट करेंगे ना इसे, इस एयर स्क्रू को जैसे आप फुल टाइट करते हैं, उसके बाद जो लूज करना है आपको, लूज करने के बाद हाफ चूड़ी हाफ राउंड लेना है। जैसे कि ये ऊपर वाला पार्ट, ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट सिर्फ नीचे आएगा, पेचकस का ऊपर वाला पार्ट सिर्फ नीचे आएगा इस तरीके से। ये एक राउंड है, मैंने इसको एक राउंड बनाया, फिर दूसरा ये नीचे वाला पार्ट ऊपर ले जाएंगे, ये दो राउंड हो गया,
फिर इसको नीचे आएंगे, ये तीन राउंड हो गया। तो इस तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है। ये नहीं कि डबल फेरा कर रहे हैं पेचकस को तब वो एक राउंड आएगा, एक चूड़ी आएगा, ये नहीं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को और मैले सेटिंग करके दिखाता हूँ आपको। हो सकता है जब इंजन के साउंड ज़्यादा होती है तो मेरी आवाज़ कम आती है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया। आप इंजन की आवाज़ को सुनेंगे और मैं इसके साउंड कहाँ पे रखता हूँ, इसके एयर सुर को मैं कहाँ पे छोड़ूंगा वो आप देख लेना। मैं मल्टीमीटर का भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों आपको प्लग भी खोल के साफ़ कर लेना है, कुछ इस तरीके से मैंने साफ़ किया, ये देख सकते हैं। तो गाइस ऐसा है कि मैंने टैकोमीटर के जरिए से ही माइलेज का सेटिंग किया। मैंने जो इंजन का स्पीड रखा वो टैकोमीटर 4000 बताना चाहिए, लेकिन वो 4000 नहीं बता कि वो 3000 पे ही रुका हुआ है। तो मैंने 3000 के स्पीड पर ही मैंने इसका माइलेज सेटिंग किया, 3000 के आसपास भी जो मैंने RPM को छोड़ा तो एयर स्क्रू छेड़ने के बाद फिर वो 3200 के आसपास में रुकी। तो 3200 पे मैंने इसको सेट कर दिया, इस तरीके से माइलेज सेट हो गई। अब देखिए टैकोमीटर अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टैकोमीटर ही होना ज़रूरी है आपके लिए, तो आप अंदाज़ा ही सेट कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसा करना है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, शुरू में जो आपने वीडियो देखे होंगे कि मैंने RPM को टाइट करना है, ठीक है। आपको RPM पहले टाइट करना है 3500 या 3000 पे, या 3 से 4 राउंड आपको RPM रखना टाइट करना है RPM स्क्रू को। उसके बाद जब एयर स्क्रू को फुल टाइट करेंगे, फुल टाइट करने के बाद आपको 2.5 से 3 राउंड के आसपास में आपको, जो कि हाफ राउंड होना चाहिए, हाफ राउंड करके 2.5 से 3 राउंड वो आपको लूज करना है। जब लूज करेंगे ना तो इंजन की स्पीड में कुछ बदलाव आएगी, तो जहाँ पे स्पीड ज़्यादा रहता है आपको उसी जगह छोड़ना है। चलिए आगे और भी आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हमारे पास कस्टमर भी है, मैं कस्टमर से भी बात कराऊँगा। तो गाइस मैंने माइलेज तो सेटिंग कर दिया, अब मैं इसका माइलेज नाप कर दिखाऊँगा इसको। ये हमारे पास बॉटल है जो माइलेज टेस्टिंग बॉटल इसे बोलते हैं, तो मैंने इसमें 100 ml पेट्रोल लिया, और इस पाइप को मैंने लगा दिया कार्बोरेटर में। और यहाँ किलोमीटर पे आप देख सकते हैं कितना है, खैर किलोमीटर से आपको कोई लेना देना नहीं है, जो मैं बताऊंगा आपको सही बताऊंगा। तो कार्बोरेटर का पेट्रोल आपको सीधा जला देना होता है, उसके बाद फिर जब ख़त्म हो जाएगी तो हम इस यहाँ के स्विच को हम ऑन करेंगे। दोस्तों अब मैंने इसका प्लग खोला और प्लग का कलर देख सकते हैं ये किस तरीके से है, और ये गाड़ी अभी चल के आई हुई है, माइलेज इसका टेस्ट हो चुका है। मैं सीधा आपको बात कराऊंगा कस्टमर से, ये पहली वीडियो है जो मैं आपको सीधा कस्टमर को दिखा रहा हूँ क्या सही क्या गलत है, ठीक है। तो पहले जो माइलेज दे रही थी 57 का, फिर मैंने इसको 65 किया, और अब जो माइलेज दे रही है दोस्तों इसका कहना है कि 8.5 किलोमीटर चली है गाड़ी का पेट्रोल यहाँ से बंद किया इन्होंने, और हमारे पास जो हमने इसमें 100 ml का पेट्रोल डाला था
और इससे पहले मैंने इसको बोला कि इसका सारा पेट्रोल जला देना है, चला के जला देना, उसके बाद फिर इस पाइप को यहाँ से फिर आपको यह खोलना है। तो इन्होंने ऐसा ही किया, तो लास्ट में ऐसा हुआ ये सारे पेट्रोल जलने के बाद इसकी 8.5 किलोमीटर गाड़ी चली, तो मैं 8.5 नहीं मैं 8 किलोमीटर ही लेकर चलूँगा। ये 0.5 किलोमीटर हो सकता है कि झटके लेने में आगे पीछे हो जाता है, तो 8 किलोमीटर भी अगर चला या उससे अगर कम भी आप करेंगे तो कितना, इसमें से 8.5 में से 1 किलोमीटर आप माइनस कर लीजिए तो 7.5, यानी कि इसका जो अगर माइलेज की अगर देखा जाए तो दोस्तों ये 75+ ये माइलेज गई, यानी कि 80 तो अभी है, फिर भी कम से कम अगर देखा जाए तो ये 75+ ये माइलेज जा रही है। तो मैं आपको सीधा कस्टमर से बात कराता हूँ क्या ये सही है गलत है, पहले ये कितना माइलेज दे रही थी, और ये काफ़ी दूर से भी आए हमारे पास, हालांकि ये नज़दीक के रहने वाले हैं, हमारे एरिया के हैं, लेकिन ये रहते हैं दूर में, यहाँ से कम 40 किलोमीटर के दूरी में रहते हैं। देख सकते हैं हमारे बगल में ये कस्टमर है, इन्हीं की ये बाइक है प्लेटिना, और ये हाफिज़ है, मस्जिद में इमाम है। चलो मैं इनसे बात कराता हूँ, ये माइलेज कितनी दे रही थी पहले आप बताएं। जी दोस्तों, मैं मोहम्मद जाहिद हूँ, दिखी का रहने वाला हूँ, मैं इमामत करता हूँ कहलगांव प्रखंड सलमपुर में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लेटिना बाइक है मेरा है, मैं इनसे पहले जो है मोहम्मद कासिम भाई के पास आया था, ऑटो मैकेनिक के पास, तो उस वक्त तो मेरी गाड़ी जो है 56-57 की माइलेज दे रही थी, तो मैं इनको कंप्लेन किया, तो कासिम भाई ने जो है हमारी गाड़ी को टूलिंग किया मल्टीमीटर के दोबारा, तो 65-66 हमको माइलेज फिर मिला। फिर मैं दोबारा जो है आया कि मुझे कम से कम 70+ चाहिए, तो अब जैसा कि देख रहा हूँ जो हमको कासिम भाई ने जो है मिला कर दिया है प्लेटिना गाड़ी का माइलेज, वो अभी हम चला के 100 ml पेट्रोल में आए तो लगभग जो है माइलेज हमें जो है दिखाई दिया 75+ माइलेज है, मतलब जो है 75 किलो+ माइलेज है, और 100 ml में हमको ये गाड़ी जो है 8.5 किलोमीटर जो है चलाया। तो मेरे दोस्तों, आपसे आप हुनर दिया हाथ में, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे इसके ऊपर यकीन हुआ, और यकीन विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं अपने विश्वास के ऊपर और इनके यकीन के ऊपर जो है मैं इनके पास फिर दोबारा आया, और मुझे जो है संतुष्टि मिली इस चीज़ से। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप भी हमारे पास आते हैं तो काम करा के एक बार देखें, एक बार नहीं होता तो दूसरी बार आएँ, फिर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि एक बार ये कंप्लेन दूर नहीं होती इस तरीके से। आप आएँ, और अगर माइलेज की समस्या आपके बाइक में, चाहे जो भी बाइक हो, 100 cc से लेकर चाहे 150 cc तक हो या फिर 200 cc हो, अगर कंपनी की तरफ से जितनी माइलेज दी गई है उनसे अगर कम है गाड़ी का माइलेज, तो मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो आप मेरे पास आएँ और प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाएँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मैं ये नहीं जानता कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन ये तो हमारी वीडियो पब्लिश होती है, अब कहाँ कहाँ वीडियो हमारी जाती है नहीं जाती है, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे नज़दीकी कस्टमर है, आप हमारे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट नरेनी के आसपास से, महागमा प्रखंड के आसपास से हमारी वीडियो देखते हैं, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से ज़रूर हमारे पास आए, और हो सके तो काम ना कराएं पर हमसे सलाह लेकर ज़रूर जाएं। मैं फिर आपको सलाह दूंगा, जो भी परेशानी हो आपकी बाइक में आप हमें बताएं, मैं आपको सारी उसकी जानकारी दूंगा क्या आपकी गाड़ी में करना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप मेरे ही पास काम कराएं, एक बार आएं हमसे कुछ सलाह लेकर जाएं। इस तरह की जानकारियाँ आप जानते होंगे कि ये इस तरह की जानकारी कोई मैकेनिक नहीं दे रहा आज के दौर में अपने इलाके अपने एरिया में। मैं फेसबुक के मदद से कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और भी धीरे धीरे अपलोड करता जा रहा हूं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर वीडियो देखते हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर देखते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।